केवाई रेसिपी से आप देख रहे हैं। मैं आज बना रही हूँ गेहूं के आटे की रोटी। आपको गेहूं का आटा पहले गूंदना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरा आटा और ये पानी लिया है आधा लीटर करीब। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें बीच बीच में थोड़ा सा पानी मिलाते रहेंगे। हमको इसको ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा पतला करना है। रोटी के लिए हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा आटा गूंदना है। अभी आटा थोड़ा सा टाइट लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाते हैं। अब इसको हमें थोड़ा सा चिकना करना है। चिकना करने के लिए थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए रख देना आटा। ये हमारा आटा तैयार है रोटी बनाने के लिए। देखिए ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा पतला है। बस आपको इसी तरह से आटा तैयार करना है। हमने रोटी सेकने के लिए गैस जला ली है, उस पर तवा रख लिया है। चकला चाहिए, बेलन चाहिए, ये हमारे आटे की लोई है, और सूखा आटा चाहिए रोटी में लगाने के लिए। ये हम इस तरह से लोई को बढ़ाएंगे। रोटी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, पतली रोटी है। हम दूसरी रोटी बेलते हैं करते हैं। हमने ये इस तरह से हमने आटे की थोड़ा सा आटा लिया, इसकी लोई बनाई उस तरह से। गैस तेज होनी चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं कि जिससे जल जाए रोटी। रोटी इधर से तैयार हो गई है, अब आप इधर से पलट दीजिए। ऐसी हमने दूसरी रोटी बेल के तैयार कर ली है। इसी तरह हमको दूसरी ऐसे ऐसे सेक गई, तैयार हो गई है। फिर रोटी भी ऐसे सेकेंगे। अब हम इसको गैस पे इस तरह से सेकेंगे। देखिए हमारी फूली फूली रोटी तैयार है। ये बस दूसरी रोटी देखिए पीछे से। इसी तरह से सारी रोटियां सेक के तैयार कर लेते हैं। आप गरम गरम रोटी खाइए, दाल के साथ, सब्जी के साथ, जिसके साथ आपका मन करे। अब हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। अब ये खाने के लिए सर्व करते हैं।